हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। चारू असोपा का छलका है दर्द। जी हां, चारू असोपा अब पूरी तरीके से टूटी हुई नजर आ रही हैं। वो पूरी तरीके से बिखर चुकी हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चारू का अपने पति राजीव सेन से तलाक हो चुका है और वो अपनी 2 साल की बेटी जियाना के साथ मुंबई में किराए के घर पर रहती है। लेकिन अब एक बार फिर से चारू की हिम्मत टूट गई है। जी हाँ, चारू ने अब ना एक वीडियो शेयर किया है और ये वीडियो ना वाकई में किसी को भी रुला देगा, क्योंकि इस वीडियो में चारू की आंखें इस कदर नम है, वो टूट कर बिखरी नजर आ रही है, वो फूट फूट कर रो रही है। जी हाँ, चारू असोपा अपनी गाड़ी में बैठकर इस कदर रो रही है और उनकी आंखों से उनका दर्द साफ बयां हो रहा है। ये दर्द है अकेली औरत का। जी हाँ, ये दर्द है अकेली पड़ चुकी एक माँ का, क्योंकि चारू अपने पति से अलग अपनी बेटी का अलग पालन पोषण कर रही है अकेले। तो ऐसे में चारू को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात का जो दर्द बयां किया है चारू ने अपने इस वीडियो में, जिसमें वो कार में बैठी रोती बिलकती दिखाई दे रही है, अपने आंसुओं को पोंछ रही है और फिर अपनी जुबान से अपनी दर्द भरी दास्तां बयां करने की कोशिश करती नजर आ रही है। दरअसल चारू ने कहा कि भले ही औरत कितनी भी कामयाब क्यों ना हो जाए, लेकिन जो ये सोसाइटी है ये उसे जीने नहीं देती। हर बार सोसाइटी सिर्फ यही सवाल करती है कि तुम्हारे साथ किसी मर्द का नाम जुड़ा है, क्या तुम्हारा कोई पति है? अगर तुम तलाकशुदा हो, अगर तुम अकेली माँ हो, तो तुम्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और चारू ने कहा है कि अब जब वो एक नए घर की तलाश में थी, तो एक घर की जो मालकिन थी, उन्होंने चारू को अपना घर किराए पर देने से ही मना कर दिया। दरअसल चारू का कहना है कि वो अभी जिस घर में रह रही हैं, वो घर काफी अच्छा है, चारू और उनकी बेटी वहां पर काफी सुकून से रह रहे हैं, लेकिन चारू चाहती है अपने सेट से काफी करीब उनका जो घर है वो हो, डिस्टेंस कम हो, जिस वजह से चारू अब एक नए घर की तलाश में थी। और अब चारू ने अपनी इस वीडियो के साथ ना एक पोस्ट शेयर किया है जो कि काफी भावुक कर देने वाला है। चलिए आपको पढ़ के बताती हूँ कि इस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है। चारू लिखती है, हमारी सोसाइटी में एक औरत चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, लेकिन लोगों की सोच कभी नहीं बदल सकती। आज भी एक औरत को घर देने से पहले उसके साथ किसी मर्द का नाम जुड़ा है या नहीं देखा जाता है। और साथ ही साथ वो इसके साथ लिखती है, अगर नहीं तो उसे घर तक नहीं दिया जाता। दुख होता है हमारे देश की औरत का ये हाल देखकर, और ये लोग जो घर देने से मना करते हैं, बाहर जाकर वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, पर शर्म की बात, अफसोस की बात यह है कि मुझे जिसने मना किया घर देने के लिए, वो भी खुद एक महिला थी और एक महिला ही महिला की दुश्मन बनी हुई है। कोई एक सिंगल मदर के दर्द को नहीं समझ रहा। बता दूं आपको, सोचने वाली बात यह है कि मना करने वाली एक औरत ही थी। जिस देश में औरत को पूजा जाता है, उसी देश में औरत की ये दशा वाकई में रुला देती है। जी हाँ, वाकई में चारू ने जिस तरीके से अपनी ये दास्तां दर्द भरी बयां करी है, ये वाकई में काफी इमोशनल कर देने वाली है। और चारू ने ये साफ कर दिया है कि सिंगल मदर अगर आप हैं, तो आपको कई चैलेंजेस को फेस करके अपने बच्चों को बड़ा करना पड़ेगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए गॉसिप टाउन।